जय सनातन धर्म की। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। देश विदेश से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वानगण, हमारे साथी यूरोप से भी, कमल टावरी जी आपका हृदय से स्वागत है, चमोली जी आपका भी स्वागत है, और लाडेश्वर आश्रम से दादी जी आपका भी स्वागत है, और भी हमारे सभी जो श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं आप सभी का हृदय से स्वागत है। हम जिस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं इसकी गंभीरता का अंदाजा हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि जिन बातों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इस समय पर इस धरती पर और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पर इतनी गंभीरता से चिंतन कर रहा है। सनातन की बातें हर जगह हो रही है, हर तरफ से हमें सनातन की बातें सुनाई भी दे रही हैं, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है जैसे अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। निशाने पर लगेगा या नहीं लगेगा हमें पता नहीं, लेकिन सनातन वो प्रकाश है जो हमारे सामने हर परिस्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं एक विशेष बात यहाँ रखना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों में एक बात रखी थी पर्यावरण, और पर्यावरण पर हमने काफी चिंता भी जाहिर की थी, लेकिन सनातन पर्यावरण क्या कहता है, पर्यावरण में सनातन दृष्टिकोण कहाँ है और ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। हमने आंतरिक पर्यावरण की भी बात की थी, लेकिन इस पर्यावरण का वास्तविक स्वरूप हमारे जीवन में किस तरह से एप्लीकेबल हो सकता है इस विषय पर आज हम चिंतन जरूर करेंगे। देखिए, जब सनातन पर्यावरण की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि हमें मोटिवेशन चाहिए। बिना मोटिवेशन के हम पर्यावरण के ऊपर काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लाभ हमें डायरेक्टली तो नहीं मिलते हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। लेकिन बात आती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम जुड़ रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो उसका प्रारूप क्या होगा। इसीलिए मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो मोटिवेशन की जब बात होती है तो मोटिवेशन हमारा खुद का होना चाहिए। यहां पर हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन भी जरूरी है कि हम इस काम को आखिर करें तो क्यों करें। बहुत से लोग हैं अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हो रहा। कोई व्यापार के लिए काम कर रहा है, व्यापार के लिए अगर मैं बात करूं तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के व्यापार को किस तरह से मैनेज किया जाए या किस तरह से उसको सहारा दिया जाए इस पर काम कर रही है। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्या उसके बाद भी कोविड जैसी महामारी को हम रोक पाए? क्या आज भी संसार के अंदर इस धरती पर ऐसे लोग नहीं है जिन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है? तो हमारे यहां पर कार्यक्रम की कमी नहीं है, लेकिन जब तक उस कार्यक्रम का दृष्टिकोण सनातनी नहीं होगा तब तक उस कार्य की क्रियान्विति या कहीं उसके जो लक्ष्य है वो कभी पूरे नहीं हो सकते। हम सभी अपने अपने स्तर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पर्यावरण को हमें धरती के स्तर पर कैसे देखना है। जब तक हम धरती के स्तर पर इस पर्यावरण को नहीं देखेंगे हम कभी भी इसके वास्तविक दुख को समझ ही नहीं पाएंगे। क्या इस पूरे सौरमंडल में इस पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह है जहां हम इतनी आजादी के साथ इतने संसाधनों के साथ रह सकते हैं? एक भी ग्रह ऐसा नहीं है। तो जब इस ग्रह पर हम रह रहे हैं तो सारी चीज तो हमें इसी ग्रह से मिलनी है, इस पृथ्वी से ही मिलनी है। तो क्या पर्यावरण का विषय हमारा इस पूरे पृथ्वी के लिए नहीं होना चाहिए? ये धरती जिसे हम मां कहते हैं, भारतीय संस्कृति में इसे मां कहते हैं, सनातन में इसे मां कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस मां के रूप स्वरूप को पहचानने की कोशिश की है? ये जो ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ये जो वायु है, ये इस धरती मां, इस पृथ्वी के रक्त है। और वायु प्रदूषण हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हम सीधे सीधे ब्लड कैंसर जैसी बीमारी इस पर्यावरण को दे रहे हैं, इस मां को दे रहे हैं, इस धरती मां को दे रहे हैं। क्या हमने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा है कि जो हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं कि हमारी इस धरती मां के लिए कौन सा रोग पैदा कर रही है? आज हमारे ब्लड में इंफेक्शन हो जाए तो हमें पता है कितनी पीड़ा होती है, हम इलाज कराते हैं, लेकिन इस धरती के लिए, इस धरती के पर्यावरण के लिए जो हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं, ये उनके रक्त धमनियों के अंदर इस पर्यावरण, ये जो विनाशकारी जो हम जहर घोल रहे हैं, ये कितना उससे दूषित कर रही है, हमने कभी इसके बारे में सोचा? सूर्य की जो किरणें हैं इस धरती के लिए ऊर्जा है, लेकिन हमने ओजोन लेयर में छेद कर करके
इस सूर्य के तापमान को हमारे धरती के लिए इतना बढ़ा दिया है कि जो ऊर्जा उसके लिए प्राणदायक थी, आज यही ऊर्जा उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर पर्वतों की, तो पर्वत ये इसकी प्रकृति के, इस धरती के, इसके गहने हैं। ये यूं कहूं इसका मस्तक है, इसका आकार है। हमने इसका दोहन करके इसके शरीर को विकृत करने का काम किया है। ये प्रकृति, पेड़ पौधे, इसका श्रृंगार है, इसके गहने हैं। हमने अपनी मां के गहने तक लूट लिए हैं। हम प्रकृति का दोहन करते चले जा रहे हैं, हम अपनी ही मां के गहनों को लूटते चले जा रहे हैं। हम कभी इस पर विचार करते ही नहीं है। हम इस पर विचार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने कभी भी इस दृष्टिकोण से, सनातन दृष्टिकोण से, इस धरती को देखा ही नहीं है। और जब तक हम सनातन दृष्टिकोण से धरती को नहीं देखेंगे, हमें ना तो समस्या समझ में आएगी और ना ही हम इस समस्या का समाधान किसी को दे पाएंगे। जो शिव तत्व है, जिस शिव तत्व से इस धरती की, इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, हमने उसे लिंग योनि के रूप में चौराहे चौराहे पर बिठा दिया है। इस धरती माता के अपने पति, अपने प्राण, अपने उस शिव तत्व को हमने नीलाम कर दिया है। सोचिए हमने अपनी मां की क्या दुर्गति कर दी है। अब इसके बाद जब पर्यावरण की बात होती है, तो हम एक कार्य करते हैं। वो कार्य क्या होता है? हम वृक्षारोपण करते हैं। जानते हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमें किस तरह की सहानुभूति इस प्रकृति से दिलवा रहा है, या हम इस सहानुभूति प्रकृति के लिए कौन सी रख रहे हैं? जैसे एक महिला का कोई शोषण कर रहा है बीच बाजार में, उसके वस्त्रों को उतारने की कोशिश कर रहा है, उसे नोचने की कोशिश कर रहा है, उसे जलील करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कहीं किसी एक आदमी के हृदय में, किसी व्यक्ति के हृदय में पीड़ा होती है और वो कहीं से कोई वस्त्र ला करके उसके शरीर को ढकने की कोशिश करता है। हम भी सिर्फ इतना सा ही कर पा रहे हैं। हम पेड़ लगा करके प्रकृति को संरक्षण देकर केवल और केवल उसकी आबरू को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना सा करना क्या उसकी, उस जो पीड़ा है उसको कम करेगा? क्या उस स्त्री के आत्मसम्मान को वापस दिलाएगा? क्या उसके दुख को वो कम करेगा? क्या उसको वो गरिमा पुनः वापस दिला पाएगा? यहां हमने इस धरती मां की हालत ऐसी कर दी है कि जैसे बीच चौराहे पर किसी की इज्जत नीलाम कर दी जाती है, हमने इस धरती मां की हालत आज ऐसी कर दी है। फिर बस एक छोटा सा वस्त्र हम उनको उड़ा देते हैं, सोचते हैं शायद हमने अपनी इतिश्री कर ली है। लेकिन पर्यावरण के लिए केवल वृक्ष लगाना उस स्त्री के तन को ढकने से ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उससे ज्यादा जो हमने उसके साथ दुराचार किया है, इसका हिसाब किताब कौन देगा? और इस पूरी धरती पर जब भारत की बात आती है, तो कहा जाता है हमने भारत को मां माना। क्यों माना? क्योंकि हमारे सनातन दृष्टिकोण में के अंदर धरती को मां ही कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी पालना करती है। इस भारत के नक्शे को ध्यान से देखिए, हिमालय हमारी मां का मुकुट है। दक्षिण भारत है, इनके पांव को समुद्र का जल, उनके चरणों को पखारता है। गुजरात की तरफ का हिस्सा है पाकिस्तान, या उससे यूए की हम बात करें, ये उसकी भुजा थी, नॉर्थ ईस्ट उसकी भुजा थी। हमने इन भुजाओं को भी काट दिया, हमने उसके मस्तक को भी, तिब्बत के और इनके विवाद के कारण से हमने उसके मस्तक को भी नीचा कर दिया। और साउथ की बात करें, तो वो तो अपनी भाषा, अपने किसी और चीज को लेकर के, वो हम नॉर्थ इंडियंस के साथ ही वो ऐसे कहते कि हमारा इनसे कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है, इनकी भाषा अलग है, इनकी सभ्यताएं अलग है। तो हम तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बट गए। अब सोचिए कि भारत मां के भी हमने कितने टुकड़े कर दिए हैं, उस मां को कितनी तकलीफ होती होगी जिसके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हम इस धरती के मनुष्य, इस प्रकृति के हम बच्चे हैं, इस धरती मां के बच्चे हैं। और हर बच्चा यदि इस मां को लूटने खसोटने में लग जाए, तो समझिए उस मां की पीड़ा क्या होगी। क्या इस मां की पीड़ा के लिए भी कोई बात करना चाहता है? क्या इस मां की पीड़ा को कम करने के लिए कोई प्रयास करना चाहता है? क्या कोई इस मां की इज्जत आबरू को दोबारा से स्थापित करने के लिए कोई कार्य करना चाहता है? क्या हमारे आंखों के अंदर वो आंसू हैं
जब हम इस प्रकृति का इस तरह से दोहन होता हुआ देखते हैं, इस प्रकृति के साथ इतने जुल्म होते हुए देखते हैं, इस धरती के साथ इतने जुल्म होते हुए देखते हैं, तो क्या हमारी आंखों में आंसू आते हैं? हमने सीमाओं के विवाद के अंदर इस धरती के कितने टुकड़े कर दिए हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा का ये हाथ मेरा है मां का, दूसरा का ये हाथ मेरा है, कोई कहे पांव मेरा है, कोई कहे धड़ मेरा है, कोई कहे ये मेरा है, सोचिए उस मां की तकलीफ का अंदाजा लगाइए जिसके बच्चे उसके ही शरीर को बांटने पर तुले हों। ऐसी परिस्थिति हमने आज कर दी है। यहां सनातन दृष्टिकोण क्या हमारा नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो वो कौन सा सनातन दृष्टिकोण है जो एप्लीकेबल होगा? क्या एक ही दृष्टिकोण एप्लीकेबल होगा इस धरती को जब हम मां मानने को तैयार होंगे, इसके स्वरूप को जब हम मां के समान मानने को तैयार होंगे, इसके व्यवहार को हम समझने को तैयार होंगे? जैसे मां अपने बच्चे की पालना करती है, बदले में कुछ नहीं चाहती है, उसी तरह से धरती हमें सब कुछ देती है, बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती है, लेकिन उसके बाद भी हम इसके साथ वो व्यवहार करते हैं जो हम किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर हम तरक्की का परचम लहराने की बात करते हैं। क्या कभी किसी ने अपने मां बाप को दुखी करके सफलता के शिखर को छुआ है क्या? तो हम इस धरती मां को दुखी करके, उस शिव तत्व को दुखी करके, उसके साथ ऐसा व्यवहार करके, क्या हम इस धरती को सुखी करने के बारे में सोच भी सकते हैं क्या? हमें दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। सनातन पर्यावरण यही कहता है, हमें उस शिव तत्व को उस मूल स्वरूप के अंदर इस धरती पर स्थापित करना पड़ेगा, उसकी मर्यादा को कायम करना पड़ेगा, और साथ में इस धरती मां की सुरक्षा, उसकी आबरू, उसकी इज्जत, उसे वही वो सम्मान हमें दिलाना पड़ेगा जिसकी वो अधिकारी है। और इसी बात को, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं केवल आज कह रहा हूं, इस बात को हमारे शास्त्रों में बहुत बार प्रमाणित किया गया है। राजा बलि के बारे में आपने सुना होगा। राजा बलि यज्ञ करते हैं, वामन रूप में भगवान पहुंच जाते हैं, तीन पग भूमि मानते हैं, एक पग के अंदर भगवान पूरी धरती को नाप लेते हैं, पूरी सृष्टि को नाप लेते हैं। यहां भी थोड़ा सा संशोधन करूंगा, एक पग में भूमि, एक पग में पूरा ब्रह्मांड नहीं नापा था, एक ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, दूसरा पग रखने की जगह नहीं थी, तो यहां राजा बलि कहते हैं कि आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। ये कथा, ये कहानी हमारे शास्त्रों में इसलिए लिखी गई ताकि इसके पीछे के पर्यावरण को हम समझ सकें। ये धरती जिस पर हम अपना अधिकार जमा रहे हैं, राजा बलि ने भी वैसा ही किया था। उसने कहा, ये धरती तो मेरी है, मैं इसका राजा हूं। भगवान जब उससे मांगने आए कि मुझे दो पग भूमि दे दो, तीन पग भूमि दे दो, तो एक पग के अंदर भगवान ने कहा, ये सब तो प्रकृति मेरी ही है, इसमें से तू मुझे क्या देगा। एक पग के अंदर उन्होंने पूरी धरती, पूरी कायनात को नाप लिया। जब दूसरा पग रखने की जगह नहीं मिली, तो यहां राजा बलि का वो सनातन ज्ञान जागृत होता है। वो कहता है, इस प्रकृति के अंदर सब कुछ आपका है, और ये मेरा अभिमान जो मैंने मेरे पास रखा था, ये मैं अभिमान आपके आगे समर्पित करता हूं। इस अभिमान का मर्दन कर दीजिए, और ये अभिमान तो मेरे सर पर चढ़कर बोलता है, इसीलिए मैं अपने सर पर आपके चरण चाहता हूं। और यहां भगवान जब उसके अपने चरण उस बलि के, राजा बलि के मस्तक पर रखते हैं, तो यहां उसका अहंकार, उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। यहां भगवान उसे नाम देते हैं राजा बलि का। और बलि से बलिदान, बलिदान एक बहुत बड़ा शब्द है। बलिदान का मतलब क्या है? बलि का दान, अपने अहंकार का दान, अपने अस्तित्व का दान। इस धरती पर जो हम अपना अस्तित्व मान बैठे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, इस अस्तित्व का बलिदान जब तक नहीं देंगे और अपने आप को इस धरती की संतान नहीं समझेंगे, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह है सनातन पर्यावरण। राजा बलि, उनका नाम बलि नहीं था, नाम तो कुछ और था, भगवान ने उनको नाम दिया बलि, और उनके इसी नाम से, इसी समर्पण भाव से बलिदान शब्द का प्रयोग होता है, यानी बलि का दान करना, अपने सामर्थ्य का दान कर देना, अपने अहंकारों का दान कर देना, यानी अपने अहंकारों को परमात्मा के आगे समर्पित कर देना। और ये बात कैसे प्रमाणित होती, ये बात भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपके सामने एक नाम लेता हूं, राष्ट्रपिता। जैसे मैंने राष्ट्रपिता नाम लिया, आपके सामने सीधा क्या पिक्चर आई? महात्मा गांधी की। मैंने महात्मा गांधी तो नहीं बोला, मैं तो राष्ट्रपिता बोला। मैं बोलता हूं लौह पुरुष,
अब आपके सामने कौन सा चित्र आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो यहां पर जो ये संज्ञाएं हैं, ये भगवान ने उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर उन्हें दी है। राजा बलि का नाम बलि नहीं था, उसके इस समर्पण त्याग के कारण से उसे बलि नाम दिया गया, और बलि से बलिदान, क्योंकि इससे बड़ा दान कुछ कर नहीं सकता था वो। सर्वत्र देने के बाद भी उसने ये पहचाना कि मेरे अंदर अहंकार कहां है, मैं किसको दान देने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब कुछ तो परमात्मा का है। यहां वो अपना अभिमान भी, अपना मस्तक भी उनके चरणों में रख देते हैं, और भगवान दूसरा चरण जैसे उनके मस्तक पर रखते हैं, अभिमान समाप्त हो जाता है, उन्हें अपने सनातन ज्ञान का एहसास होता है। ये है सनातन पर्यावरण। हम मुसाफिर हैं, ये जितनी भी चीजें मिली हैं हमें उपभोग करने के मिली, जैसे हम होटल में जाते हैं ना, हर चीज का उपभोग करते हैं, लेकिन आप वहां से कुछ लेकर नहीं आ सकते, आपको वहीं छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह से इस धरती पर हम रहते हैं, हम इस सब चीजों का उपभोग तो कर सकते हैं, लेकिन यहां से लेकर कुछ नहीं जा सकते। और जैसे बदले में होटल के अंदर आप जब रहते हैं तो आपको उसके बदले कुछ भुगतान करना होता है, इसी तरह से इस धरती पर भी जब हम रहते हैं तो इसके बदले हमें कुछ भुगतान करना होता है, और वो भुगतान जानते हैं क्या होता है? वो भुगतान होता है इस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव। लेकिन ये भुगतान हम करना ही नहीं चाहते, हम तो अनाधिकृत कब्जा करके बैठ जाते हैं। जैसे होटल में आप जाकर बैठ जाओ, आप निकाल के दिखा मेरे को, ठीक उसी तरह से हम कहते हैं इस धरती पर आ गए, आए हैं 50-60-100 साल के लिए, कहते हैं हमको हिला के दिखाओ। यहां पर हम रुखसत तो होते हैं, लेकिन अगर परमात्मा की रजा में रुखसत हो रहे हैं तो हमारे लिए मोक्ष का कारक बनती है ये। और यदि हम अपने अहंकारों में जी करके ये सब काम करते हैं तो हमारी गति बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए सनातन के पर्यावरण को हमें समझना पड़ेगा। इस सनातन का पर्यावरण केवल वृक्षारोपण के अभियान तक नहीं है, इस पूरी धरती का पर्यावरण हमें समझना पड़ेगा कि काम कैसे करता है। हम इस धरती से बाहर है ही नहीं। और जैसे राजा बलि, या इस घटना के पीछे भगवान ने एक पग के अंदर पूरी भूमि को नाप लिया, क्या हमारे कदम भी छोटे नहीं है? छोटे से तो कदम है, किसी के 8 नंबर का जूता आता होगा, किसी के 9 नंबर का आता होगा, किसी के 10 नंबर का आता होगा। कितने लोग हैं जिनके 22 नंबर का जूता आता होगा, इस साइज का जूता भी कभी बना होगा? सबका यही है, 6 से लेकर 10 के बीच में सब कुछ आ जाता है, सबके पांव आ जाते हैं। इतने छोटे से कदम है हमारे, लेकिन इतने छोटे से कदम जो हमारे हैं, क्या हम इन छोटे कदमों से पूरी धरती को नहीं नापते हैं? क्या हमारे जीवन की यात्रा क्या इन छोटे कदमों से पूरी नहीं होती है क्या? तो भगवान ने भी वामन रूप धारण किया, कदम उनके छोटे थे, लेकिन यहां पर भी वो एक संदेश देते हैं कि इन्हीं छोटे कदमों से तुम भी संसार को नाप सकते हो, और हम वो करते भी हैं। लेकिन जब संसार को नापते हैं, जब संसार को नापने निकलते हैं, तब हमें अपने बौनेपन का एहसास होता है, तब होता है। अपनी जगह बैठे हुए तो हम बहुत बड़े शेर हैं, लेकिन जब इस धरती को नापने हम निकलते हैं तब हमें अपने बौनेपन का एहसास होता है। और जब हमें अपने बौनेपन का एहसास होता है तो हमारा अभिमान झुकता है कि प्रकृति तो बहुत बड़ी है, मेरी हैसियत, मेरी औकात तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और यहां आकर के हमारा अभिमान चूर होता है, यहां हमारे भीतर समर्पण भाव आता है। इसलिए इस प्रकृति के हर तत्व को समझना, उसके महत्व को समझना, उसके रूप स्वरूप को समझना, हम इन्हीं छोटे छोटे कदमों से इस प्रकृति को नापने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम कदम उठाएंगे ही नहीं तो हम नाप कैसे पाएंगे? हम अपनी जगह बैठकर अपने आप को बहुत विशाल, बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हम कितने बौने हैं ये बात हमें तब पता लगेगी जब हम अपने छोटे कदम को उठा करके चलना शुरू करेंगे, इस धरती के ऊपर अपने कदम बढ़ा करके इसे नापने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपने बौनेपन का एहसास होगा, तो हमारे अभिमान का मर्दन होगा। इसलिए सनातन पर्यावरण यह कहता है कि पहले अपने सेल्फ रियलाइजेशन को समझिए कि आप हो क्या, आपका अस्तित्व क्या है। और जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तब यहां पर वैल्यू क्रिएशन होगी, तब आप अपने जीवन का सही मूल्य लगा पाओगे। अभी तक आपको अपनी वैल्यू का ही पता नहीं कि आपकी वैल्यू क्या है। इति ब्रह्मंडे सोही पिंडे, आप ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अपने अंदर भीतर लेकर के बैठे हुए हैं, आपकी रियलाइजेशन है?
होता तो आप कभी ये कहते कि मैं तो दुखी हूं परेशान हूं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं हम दुखी हैं परेशान हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अपना सेल्फ रियलाइजेशन किया ही नहीं है। और ये तीसरे स्टेज में होगा, पहले मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन के बाद में उसके बाद में हम सेल्फ वैल्यूएशन करेंगे अपनी, फिर उसके बाद रियलाइजेशन होगा, और रियलाइजेशन के बाद में फिर हमारा रियल सिविलाइजेशन होगा। रियल सिविलाइजेशन यानी कि इस धरती पर हम इंसानों को कैसे रहना है, ये सिविलाइजेशन का वो दौर होगा जहां हम सनातन को समर्पित होकर के इस दुनिया के अंदर रहेंगे। ये पांचों तरह से जब हम चीजों को कंप्लीट करेंगे तब यहां पर हमारा सनातन पर्यावरण कंप्लीट होगा, और यही पंच तत्वों का सही समागम है, सही स्वरूप है, सही मिश्रण है। इसीलिए इस धरती के पर्यावरण को हमें समझना पड़ेगा। हमारी आंखों में आंसू जरूर आने चाहिए जब हम इस प्रकृति के किसी दोहन को देखें, तो हमारे मन में भी वो पीड़ा उठनी चाहिए कि हम अपनी मां के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। और जब ये चीज हमें समझ में आएगी तो जो मैंने बाकी सारे चीज कही, जैसे मैंने आपको बताया, मोटिवेशन अपने आप मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप होगा, वैल्यू क्रिएशन अपने आप होगी, और रियल सिविलाइजेशन ये भी अपने आप होगा। मैंने यहां लिख करके रखे थे चीज कि मैंने कहा एक एक शब्द है इसकी मुझे आपके सामने सही स्वरूप को रखना है, क्योंकि सनातन पर्यावरण पर कैसे काम करना है ये बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। खाली 100 पेड़ लगा लिए, 1000 पेड़ लगा लिए, 1,00,000 पेड़ लगा लिए, इससे काम नहीं होगा। हम मां को गहने तो खूब पहना देंगे लेकिन मां के आंतरिक पीड़ा को कौन समझेगा, जो इसकी इज्जत आबरू के साथ रोज खिलवाड़ हो रहा है उसको कौन समझेगा। हमें मां की पीड़ा को समझना पड़ेगा, ये प्रकृति तो उसका गहना है। वो कहते हैं ना, मां कम गहने पहन लेगी लेकिन अपना सम्मान तो चाहती है, उसके बच्चे उसका सम्मान करें इतना तो वो चाहती है। वो हमारे गहनों से खुश नहीं होगी, हमारे व्यवहार से खुश होगी कि हम उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहते हैं। और इतनी बात, इतनी बड़ी बात हमारे संत महापुरुष जानते थे, ऋषि मुनि जानते थे, तभी तो कहते थे कि धरती मां है। इस पूरी दुनिया के अंदर हम भारतीय तो ऐसे हैं, हम सनातनी तो ऐसे हैं जो धरती को मां कहते हैं, बाकी दुनिया में कौन कहता है अपनी मां को, इस धरती को मां कौन कहता है? क्योंकि हमारी संस्कृति उसकी जड़ें सनातन से जुड़ी हुई हैं। एक एक शब्द, एक एक विचार इतना गहरा है कि जिसको यदि हमने ढंग से समझ लिया तो हम दुनिया को वो समाधान दे सकते हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाला समय भारत का है, भारत के लोगों का है, और भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि हम उसको वो दृष्टिकोण दे सकते हैं दुनिया को, भारत के लोग, जो पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास सनातन है। हम लाखों वर्षों से सनातन की जीवन पद्धति को जीते आ रहे हैं। हमारे हर एक शास्त्र ग्रंथ के अंदर लिखी हुई कथा के अंदर बहुत बड़ी सच्चाई है, पर ये दंत कथा बन के क्यों रह गई, इस विषय पर कल हो सका तो कल मैं आपको बताऊंगा इसके रहस्य को कि कहां सत्य था और कहां हम दंत कथाओं के अंदर आकर के रुक गए हैं। ये भी सुधार प्रक्रिया थी, लेकिन इसका मूल स्वरूप क्या है, सनातन शास्त्र क्या कहते हैं, इस विषय पर भी मैं आपको बताऊंगा। अगले 2-3 महीने हम कंटिन्यू जुड़ेंगे तो यहां पर रोज मैं आपको सनातन के उस स्वरूप को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा जिसे समझना बहुत जरूरी है, और यह स्वरूप आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है लेकिन उसमें इतनी मिलावट कर दी गई है कि हमारी सामान्य बुद्धि उस शास्त्र के अंदर से सच्चाई को ढूंढ नहीं पाएगी। उसके लिए सनातन दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम शास्त्रों के अंदर निहित उस सत्य को समझ पाएंगे, वरना हम उसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। जैसे एक बुक होती है, स्कूल की बुक होती है, बच्चा पढ़ता है तो वो तो पढ़ना जानता है ना, उसको हिंदी इंग्लिश पढ़ना आती है, वो बुक तो पढ़ लेगा, लेकिन उस लिखे हुए में क्या है, उसका महत्व क्या है, वो कैसे एप्लीकेबल होगी, इस चीज को समझने के लिए वो स्कूल जा रहा है। तो लिखा हुआ पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, जो लिखा है वो किस स्वरूप में लिखा है, कहां एप्लीकेबल होगा, हमारे जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है, इसी बात को तो समझने के लिए बच्चा स्कूल जाता है, वरना किताब तो आप भी उसको पढ़ा सकते हैं अपने घर में, बच्चा खुद भी पढ़ना जानता है, लेकिन उस चीज को कैसे समझे
इस बात के लिए वो स्कूल जाता है। इसी तरह से धार्मिक शास्त्र ग्रंथ क्या कहते हैं इसको समझने के लिए हमें सनातन दृष्टिकोण चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले इस धरती पर अगर कोई चीज बनी तो वो ज्योतिष बनी, आंख बनी, इस वेदों की आंख बनी, जिससे प्रकृति समझ में आती है और इसके बाद सनातन शुरू होता है। ज्योतिष के द्वारा ही हम सनातन पूरी पद्धति को, सनातन प्रक्रिया को समझ सकते हैं, क्योंकि सनातन के बिना इस धरती पर कुछ नहीं है। पर सनातन को देखोगे कैसे, समझोगे कैसे, वो कौन सी आंख मिलेगी आपको तब देखोगे समझोगे? तो बहुत से लोग कहते हैं थर्ड आई, हमारे भीतर की थर्ड आई। अरे थर्ड आई से तो केवल आप अंदर झांकना देखोगे, अंदर झांकना सीखोगे, उस अंधेरे के अंदर एक प्रकाश होगा, आप अपने भीतर की यात्रा करोगे, लेकिन सनातन कहां दिखेगा आपको? लेकिन सनातन कहां दिखेगा आपको? और सनातन यदि देखना है तो आपको वेदों की आंख, वो ज्योतिष चाहिए। इसलिए ज्योतिष का जो मूल स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, इसके बारे में बहुत आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी तो अगर मैं कहूंगा तो सब ऊपर से निकल जाएगा। मैंने कल भी कहा था ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर इस समय पर मुझे नजर नहीं आता जो सनातन के उस रहस्य को जानता हो, समझता हो, एक भी नहीं है। अगर है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उनके साथ यदि हम चर्चा करेंगे तो, सनातन के स्वरूप पर, सनातन की उस मूल स्वरूप पर जो ज्योतिष का है, बड़ा अच्छा लगेगा, एक से दो भले, लेकिन मुझे पता है नहीं है कोई, वो दृष्टिकोण ही नहीं है। दृष्टिकोण नहीं होगा तो आप चीजों के बारे में खोज कैसे करेंगे? इसलिए दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। और जब ये सनातन पर्यावरण से ही होता है तो जैसे कहते हैं ना, समय पर सूर्योदय होगा आपको रोशनी मिलेगी, समय पर वर्षा होगी आपको जल मिलेगा, समय पर रात्रि होगी आपको विश्राम करने का मौका मिलेगा, समय पर वनस्पति अपने फल फूल सब आपको देगी। ये कार्य आप नहीं करते, प्रकृति अपने आप करती है। उसी तरीके से जब हम सनातन को सही रूप में समझ लेते हैं, प्रकृति को समझ लेते हैं, सनातन के पर्यावरण को समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर भी हर तकलीफ बहुत आसानी से समाप्त होती है और इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य अपने आप आपके भीतर उतरने लगते हैं। चाहे फिर आपने कहीं किसी विश्वविद्यालय की पढ़ाई ना की हो, लेकिन फिर भी आपके अंतर के अंदर एक एक ज्ञान उतरना आरंभ हो जाएगा। ये हकीकत है। ये तभी तो कबीर कितने पढ़े लिखे थे, सूरदास जी नेत्रहीन थे, मीरा तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी, लेकिन इनके भीतर वो कौन सा ज्ञान उतरा, इन्होंने कौन से धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन आज इनकी वाणी पर रिसर्च होती है। क्योंकि ये ज्ञान, जब हमारा सनातन पर्यावरण सही होता है तब ये ज्ञान, इस सनातन का ज्ञान, इस धरती का ज्ञान, वो अनमोल ज्ञान जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं, ये स्वतः ही हमारे भीतर उतरने लगता है। ये सही सनातन रास्ता है। सनातन धर्म क्या है, इस विषय पर भी बताऊंगा, बहुत सारे टॉपिक हैं एक एक चीज पर। और आपको जो भी बात कहता हूं, जब तक मैं मेरे जीवन में उसका प्रैक्टिकल नहीं होता, मैं कभी कोई बात नहीं कहता। केवल किताब पढ़ के उसमें से चार नोट बनाकर आपके सामने रख दूं, ये मेरा काम कभी ना था, ना है, ना होगा। जिस चीज को जब तक मैं सेल्फ रियलाइज नहीं कर लेता, अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उस चीज को आपके सामने नहीं रखता। अनुभव करने के बाद भी इस बात का प्रमाण लेता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं, जो भीतर में आपने दिया है, क्या बाहर इसका कोई प्रमाण मौजूद है? कोई मुझे खुदाई गवाही मिलेगी? कोई मुझे परमात्मा की ऐसा प्रमाण मिलेगा जो इस बात की सत्यता को प्रकट करता हो? जब वो प्रमाण मिलता है उसके बाद मैं कोई बात आप तक कहता हूं, वरना मेरे से भी वही गलती हो जाएगी जैसे वेद व्यास जी से हुई थी। अपना मसाला लगाना शुरू कर दिया था, अर्थ का अनर्थ हो गया था। तो यहां इस ऋषि परंपरा के अंदर मैं ये गलती नहीं कर सकता, इसलिए वही बात कहूंगा जो सनातन है, सत्य है, जो ईश्वरीय आदेश होगा, जो भीतर में चीज प्रकट होगी, वही बात मैं आपके सामने रखूंगा। एक शब्द भी दाया नहीं, बाया नहीं, केवल और केवल पूर्ण सत्य, चाहे आपको फिर अच्छा लगे ना लगे, ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन मैं अपने कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से करूंगा। चमोली जी, आज के इस कार्यक्रम में मैंने अपनी वो बात रखी है जिसकी प्रेरणा मुझे ऊपर वाले ने दी,
और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे जरूर करें। कार्यक्रम अभी चलेगा, हमारा एक घंटे का हमारा कार्यक्रम है, मैं आपके साथ उपस्थित हूं, तो किसी का भी कोई प्रश्न हो जरूर मुझसे करें। हमारे YouTube के दर्शक भी कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न करें, अगर कुछ उनका प्रश्न है तो यथासंभव मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, निस्संदेह आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व की।